जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश चंद्र ग्रहण कल चंद्र ग्रहण शाम में पांच पंद्रह से छह बीस के आसपास तक रहेगा और तंत्र में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे विधान हैं जो सिर्फ ग्रहण काल में ही सिद्ध होते हैं दो सिद्धांत चलता है एक वो चलता है जिसमें कि कुछ विशेष दिन पर आप अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जो कई दिनों में सिद्ध होने वाली साधना है वो एक दिन में हो जाती है जैसे काली चौदस है दीपावली के एक रात पहले होली का के एक रात पहले वाली जो रात है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये चार है जो श्रेणी मेंती है फिर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो सिर्फ ग्रहण को ही सिद्ध होते हैं उसके बाद साल भर बाद काम आते हैं जैसे प्रेत जगाने का मंत्र मसान उठाने का मंत्र हाँ इन सब मंत्रों की सिद्धि जो है ये सिर्फ ग्रहण काल में होती है उसके बाद आप उसको जीवन भर प्रयोग कर सकते हैं उसी तरीके से एक मंत्र है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस मंत्र को सिद्ध करने से ये लाभ है कि अगर आपको कहीं पर बैठे हुए ऐसा आभास हो कि आपके आसपास कोई शक्ति है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो तो आपके पर्सपेक्टिव पे है लेकिन कोई शक्ति है जो कि हमारे जीवन में इंटरवीन कर रही है या किसी को तंग कर रही है किसी को मदद कर रही है उस शक्ति को आप बांध सकते हैं आगे चल के इससे शक्ति को प्रयोग करने का भी तरीका बताया जाता है इसी मंत्र से आगे आप शक्ति को का प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर शक्ति निम्न होती है ना छोटी शक्ति तो उसका जो कार्य होता है वो बड़ा छुदुर होता है सुधर का मतलब क्या है कि छोटा छोटा तंग करना छोटी परेशानी खड़ा करना या आपके दुश्मनों को छोटा मोटा लाभ पहुंचाना जो बड़ी शक्तियां होंगी उन पर हाथ नहीं डालना चाहिए ठीक है तो किस तरीके का के शक्तियों पे आप हाथ डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं कलवे पे हाथ आप डाल सकते हैं भूत पे हाथ आप डाल सकते हैं प्रेत पे हाथ आप डाल सकते हैं जिन पर हाथ इससे ऊपर की जो शक्तियाँ हैं मतलब जो हमसे ऊपर की शक्तियाँ हैं यक्षगंधर और राक्षस हाँ बेताल कुमांडी इन सब चीजों पे आप हाथ नहीं डालेंगे तो करना क्या है कल आप बराबर मात्रा में तीन चीजों का मिश्रण करेंगे किन किन चीजों का एक है धनिया ठीक है धनिया साबुत पाउडर नहीं काला सरसों ठीक है और काला उरद इसको बराबर हिस्से में बांध लेंगे और उसके बाद एक काले कपड़े में आठ गाठ मार के उसमें इसको रखेंगे कैसे आठ गाठ कैसे पड़ता है पहले दोनों कोनों को बांधा फिर जो चार कोने निकले उन चार कोनों को एक दूसरे से बांध दिया ठीक है तो ऐसे जो है वो दो बार बन जाता है आठ गाठें उसमें पूरी लगती हैं इसको लेकर के जब चंद्र ग्रहण शुरू हो यह अघोर साधना है ठीक है ना तो स्नान ध्यान का बहुत महत्व नहीं है भोजन का कोई महत्व नहीं है दिशा का कोई महत्व नहीं है ठीक है आप एक हल्दी से एक घेरा बनाएंगे और इस घेरे में खुद बैठेंगे ठीक है और उसके बाद रोली लेंगे और रोली से जहां बैठे अपने आसन के सामने आसन किस चीज़ का हुआ? आसन ना भी हो तो चलेगा आसन कफन का हो तो चलेगा आसन आ, क्या कहते हैं ऊन का हो तो भी चलेगा मतलब तो कोई भी एक आसन होना चाहिए नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है अगर नहीं होगा आसन तो बस यही करना है कि आप पद्मासन में नहीं बैठेंगे आप जो दोनों तलवे के सहारे जो बैठते हैं वैसे बैठेंगे एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि कोई बच्चा इस साधना को करते समय आपके पास ना आए तो आप वो हल्दी से वृत्त गोलाकार बना लिया उसमें अपना आसन लगा लिया आपने अब आप सामने एक स्क्वायर बनाएंगे ठीक है रोली से रोली सिंदूर से और उसके चारों कोनों में आप जो है चार दीपक लगाएंगे अपनी तरफ उसका मुंह नहीं होना चाहिए उल्टे तरफ मुंह होना चाहिए ठीक है इतना हमने कर लिया और उसमें सरसों का तेल भर के आप प्रज्वलित कर देंगे जैसे चंद्र ग्रहण शुरू होता है फिर उसी रोली का एक बूंद वहाँ पर गिराएंगे मध्य में और हाथ में जल लेंगे जल जो है वो शुद्ध गंगा जल पीता तांबा का पीतल तांबा का बर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी अलमुनियम का बर्तन हो स्टील का बर्तन हो उससे थोड़ा सा जल लेंगे और वहाँ पे लिखेंगे उस स्क्वायर के नीचे लिखेंगे हसों फिर तीन उंगली के डिस्टेंस पर लिखेंगे हूँ ठीक है तो हसौ हूँ ये लिख देंगे इसके ऊपर नमो आदेश गुरु जी को ओम गुरु जी बोल के वो जो आपने पोथी रखी है उसको रख देना है ठीक है फिर कुछ धूप वहाँ पर दिखाना चाहिए कुछ नवेद चढ़ाना चाहिए नवेद में कुछ भी हो सकता है दाल भात भी हो सकता है सर चावल भी हो सकता है ठीक है ना? और धूप दिखा दीजिए एक पुष्प रख दीजिए सफ़ेद पुष्प जो होगा वो उत्तम होगा गुरु को याद करिएगा जो भी गुरु हैं सततम आदेश गुरुजी के ओम गुरुजी सद्गमो आदेश गुरुजी को ओम गुरुजी ओम गुरुभ्य नमः परम गुरुभ्य रमम परापर गुरुभ्य नमः परमिष्ट गुरुभ्य नमः ठीक है इसके बाद ओम वक्रतुंडाय हुं फट का सात बार जाप करेंगे ठीक है इतना करने के बाद अगर आपके पास कोई रक्षा मंत्र है तो उसको बोल के अपना शरीर फूंक लेंगे या फिर दुर्गे दुर्गे रक्षा रक्षा हुम फट बोल के शरीर पर तीन बार फूक मारेंगे कायदे से सात बार जो है ओम अघोरेभ्यो जो मंत्र है ओम अघोराय नमः ओम अघोरिभ्यो घुरभ्यो घोर घुरभ्य सर्वता सरसे नमस्त रुद्र रुपेभ्य इस मंत्र का सात बार जाप होना चाहिए ये मंत्र तो सबके पास होगा नहीं है तो दक्षिणमुखी महादेव का जो मंत्र है वो खोज लीजिए नेट पे वही है इसके बाद आपको पूरा सूर्यग्रहण ये जो पूरा कार्यक्रम आपको दो से तीन मिनट में समाप्त कर लेना है इसके बाद जब तक सूर्य ग्रहण का काल खत्म नहीं होगा मतलब छः बज के अट्ठारह मिनट तक आप एक मंत्र का जाप करेंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ मंत्र है अच्छा जब आप मंत्र का जाप करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि आपकी श्वास कौन सी चल रही है ठीक है अगर आपका बायां श्वास चल रहा है चंद्रनाड़ी चल रही है तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे के को सामने रख के और उसकी सीधाई में उस पोथी को आप देखेंगे आपका दाहिना अगर नाड़ी चल रहा है दा, दाहिने नाक से श्वास चल रही है तो दाहिने हाथ के की मुट्ठी बंद करेंगे अंगूठे को सामने रखेंगे और उस अंगूठों के अंगूठे के सामने उस पोटली को देखते रहेंगे ठीक है तो श्वास का ध्यान रख करके जाप करना है मंत्र क्या है ओम नमो आदेश गुरु को बावन वार चौसठ सातु कलवा पाचऊ वड़वा जिन भूत परीत देवम स्वाहा क्या ओम नमो आदेश गुरु को बावन वार चौसठ सातु कलवा पाच वड़वा जिन भूत परित देवम स्वाहा इतना करने से वो जो आपकी पोटली है वो सिद्ध हो जाएगी अच्छा रात्र भर उस पोटली को आप हाथ नहीं लगाएंगे वो पोटली अपने स्थान पर रहेगी आप भी उसी स्थान पर रहेंगे ये जो स्थान होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना अगली सुबह तक ये स्थान मसान हो सकता है कोई खाली घर हो सकता है कोई खंडर हो सकता है कोई शिवालय हो सकता है कहीं भी आप इस साधना को कर सकते हैं साधना करने के लिए तो कहीं मदाही है नहीं रात्रि काल में आपको जब डर लगेगा क्योंकि आपके पास वो पोटली है तो बस मन में यही कहिएगा या बोल के भी बोल सकते हैं कि जो भी है मेरा साथ देना मेरे साथ रहना बहुत सोच के बोलिएगा ठीक है जिसको रखना हो साथ ठीक है नहीं तो भगा देना गाली दे के दूसरे दिन सुबह में उठाना उठना स्नान ध्यान कर लेना और उसके बाद सूर्योदय से पहले जो यंत्र बनाया है और जो घेरा बनाया है उसको जल डाल करके पूरा साफ करना ठीक है फिर पोटली उठाना फिर यंत्र को साफ करना ठीक है और फिर पोटली लेकर के कहीं टांग देना घर के बाहर में जब प्रयोग हो तो इस पोटली को साथ में लेके जाना कहीं भूत बाधा कहीं प्रेत बाधा या घर में डर लग रहा है और इसको जो है यही मंत्र पढ़ के सत्ताईस बार और अपने आठों दिशा में छीट देना छीटने के बाद बोलना है कि जो भी शक्ति है वो मेरे साथ रहे या शांत रहे ठीक है जब मैं बुलाऊं तो फिर आना फिर इसको आमंत्रण देने का फिर वही तरीका है कि इसी मिश्रण को उठाएंगे हाथ में रखेंगे मंत्र बोलेंगे और जो भी अविचारिक कर्म है उसको करने के लिए इनको आदेश करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग भी शक्तिशाली हो जाइए ऐसे जो गृहस्थ हैं वो साधना को करने से बचेंगे जो तंत्र मार्ग में हैं वो साधना को करें जिनके पास आसन बंधन है शरीर बंधन है जिनके पास भगवती की मतलब विशेष कृपा है जो घर का अपना बंधन करके रखते हैं जो जानते हैं कि उनके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हो तंत्र साधना ऐसे लोग इस साधना को छूट करके करें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है छोटी साधना है जो शुरुआती आनंद लेना चाहते हैं अघोर मार्ग का उनके लिए ये अच्छी साधना है तो करिए और आनंद लीजिए इस चंद्र ग्रहण पर आज के लिए इतना ही जिनको वो बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इस ग्रुप में हम साधना का जो शुरुआती आयाम है जैसे कि मंत्र बोलना यंत्र बनाना तंत्र चलाना भैरव जी की पूजा करना ये सब सिखाते हैं डब्ल्यू मेरा आने वाला कार्यक्रम जानने के लिए कॉल मी फॉर ऐप उसमें रुद्रनाथ एट सी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं साथ ही मेरे व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान भैरव आप सभी की रक्षा करें ऐसी मेरी उससे प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश